cela, c'est donner cela. तो हम जा रहे हैं पूरी, मैं सिद्धार्थ और तुषार। दो दिन का छोटा ट्रिप होगा, दो तीन दिनों का, तो चलिए आपको भी ले चलते हैं पूरे सिनेमैटिक स्टाइल में। तो अभी हम मंगुल पहुँचे हैं, थोड़ा यहाँ ट्रेन रोक दिया पता नहीं क्यों, मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, जर्नी भी काफ़ी सही जा रहा, मस्त बातचीत करते हुए खाते पीते दोस्तों के साथ, मज़ा आया। दोस्तों पहला ट्रिप ऐसा होना चाहिए। तो अभी काफ़ी 10 मिनट हो गए ट्रेन रुके, तो अभी यहाँ गोप्रो से भी भाई टाइम लैप्स ले रहे थे यार, उससे वीडियो शूट कर टाइम लैप्स ले रहे थे, तो हम बोले सर टाइम लैप्स ले रहे, देखना चल कोई बात नहीं, टाइम लैप्स फिर से ले लेंगे। रहा है अभी तो, हिला क्यों रहा है, टाइमलेस स्टेबल, हाँ चल ले लेगा, इतना स्लो चल रहा है और टाइमलेस वैसे ही लेता है, वीडियो तो होता है टाइमलेस का, तो तो टाइमलेस ही ले रहा है अच्छा खासा। तो अभी मेन कैमरे से शूट कर रहा हूँ, क्वालिटी से अच्छी आती है, अभी देखते हैं। बाकी 12:30 टाइमिंग है भुवनेश्वर पहुँचाने का, कब तक पहुँचाता है। दस रुपए का है, दो पैकेट दे, 10 का बोलो, चलो यो 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 छोड़ा गो ब्रो, तो क्या वीडियो ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग। और दोस्तों क्या हाल चाल, लीडर माइक, अरे वांडा का भाई का नाम, वांडा का भाई का नाम क्विक सिल्वर, क्या क्विक सिल्वर, से नेक्स्ट स्टॉप भुवनेश्वर, देखते हैं उतरते हैं फिर थोड़ा फ्रेश वेश होंगे और फिर वहाँ से बस से चलेंगे। हाँ तो सर बस देखते हैं फिर वहाँ से बस से चलेंगे। तो अभी हम भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं, जैसे ही पहुंचे एक घंटा बारिश होता था, वहीं स्टेशन पे रुके हुए थे, अभी निकले, अभी जाते हैं बस स्टैंड तरफ, फिर वहां से निकलेंगे पूरी की तरफ। और ये मौसम बहुत सही हो गया, बारिश हो गया तो पूरा मौसम खुल गया है। और इधर तो अभी हम पूरी पहुंच चुके हैं, अभी देखते हैं पहले होटल का चलते हैं, पता तो करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये जो आप रथ देख रहे हो, ये पूरी का ओरिजिनल रथ है जिसमें जगन्नाथ जी को ले जाया जाता है, ये है ओरिजिनल रथ पूरे यहाँ का, पूरी का। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, तो अभी आगे जाना तो अलाउड नहीं है ज़्यादा, तो यहीं से देख लेते हैं। बाकी अभी चलते हैं आगे और होटल वोटल ढूंढते हैं, फिर देखते हैं कुछ। भाई 15-20 मिनट से धूप में चल रहे, पूरा हालत ख़राब हो गया था,
तो अभी तक छाँव में रुके हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले मंदिर है, दिख रहा है हमें सामने से, देख सकते हो मंदिर वहाँ है, दिखाता हूँ मैं आपको, वहाँ आपको दिख रहा होगा मंदिर। तो बस हम ऑलमोस्ट अभी पहुँचने वाले हैं, थोड़ा दूर और है। तो अभी हमारा होटल यहाँ से हमें दिखा रहा है 2.8 किलोमीटर अराउंड, 10-15 मिनट और लगेंगे पैदल चलने से, तो 2 मिनट का ब्रेक लिए तभी चलते हैं, पहले होटल ही चलते हैं, चेक इन करते हैं, फिर फ्रेश वेश होंगे, फिर बात करेंगे, बहुत थक गया आज धूप में। क्या हाल है तुषार? बहुत खराब भाई। इस्कॉन टेम्पल से अगर 290 मीटर में है इस्कॉन टेम्पल, पूछ देते हैं इस्कॉन टेम्पल। हाँ बहुत ही ज़्यादा हालत खराब है, बहुत ज़्यादा दिक्कत ही हुआ धूप में, चल जाना पड़ा, पर मुंह पे धूप लग रहा है, जबकि अभी 5 बजने वाला, फिर भी कोस्टल एरिया। चलते हैं आगे भी, होटल होटल पहुँचते। तो फाइनली पता नहीं कितने किलोमीटर चलने के बाद हम मंदिर के पास पहुँच गए हैं। 3 किलोमीटर लाइफ में मैं सेकेंड टाइम आ रहा हूँ जगन्नाथ मंदिर। हाँ 3-4 किलोमीटर चलने के बाद लाइफ में सेकेंड टाइम पूरी आया हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है, दिखाता हूँ आपको मंदिर। तो मंदिर अभी हम आएंगे बाद में, अब चलते हैं पहले होटल, होटल चेक इन कर लेते हैं। पैर पूरे हालत ख़राब हो चुके हैं, घुटना दोनों पेन होने लगा, दोनों घुटना पेन होना चालू हो गया है, तो यहाँ से थोड़ी दूर बचा, पहले चलते हैं होटल में चेक इन करते हैं, फिर देखते हैं शाम में होगा तो या फिर कल आएंगे मंदिर। तो फाइनली होटल में चेक इन हो चुका है, बहुत मेहनत लगा चल के आने में, तो अभी अच्छा खासा रूम मिल गया है, सही प्राइस में मिल गया है, अभी देखते हैं, फ्रेश होते हैं पहले, पानी वानी पीते हैं, फिर मिलते हैं। किचन भी है हमारे रूम में, किचन भी है। ओ भाई अच्छा खासा छोटा सा किचन भी है। तो ये हमारा अच्छा खासा रूम है आज भी 2-3 दिन के लिए। तो अभी पहले फ्रेश होते हैं आराम से, फिर मिलेंगे।